चलिए तो अब डिटेल में हम देखते हैं कि 10th क्लास और 12th क्लास, सिर्फ दो ही क्लास का हम इस चैनल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस का और 12th क्लास के मैथ्स के सिलेबस का, ठीक है? क्योंकि 9th और 11th के सिलेबस का एनालिसिस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो 9th और 11th के एग्जाम होंगे वो स्कूल अपने आप कंडक्ट कराते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। तो सिर्फ 10th क्लास और 12th क्लास, और इस वीडियो में सिर्फ 10th क्लास का जो सिलेबस है हम उसका एनालिसिस करेंगे, क्या चीजें हटी हैं और कितना फायदा हुआ है, इसमें कुछ टाइम बचा है या नहीं बचा है। देखिए इधर जो यहाँ पे मेरे पास है वो है ये रिवाइज्ड सिलेबस, और ये हमारे पास जो पुराना सिलेबस है, मतलब जो इस ईयर के स्टार्टिंग में हमें मिला था वो सिलेबस है। तो देखिए चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन में जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो हट गया है, ठीक है? तो यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आपको करना है, तो यहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है, तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा टॉपिक इन्होंने हटा दिया है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते थे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में जीरोस, रिलेशनशिप एज इट इज है, कोफिशियंट वाला जो पार्ट था वो सारा है। यहां से जो हमारे पास हटा है वो डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे वो हट गए हैं, ठीक है? तो यहां से पॉलिनोमियल भी आपका ऑलमोस्ट आधा हो गया है, ठीक है? और काफी जो एक थोड़ा ठीक ठाक सा जो टफ वाला पार्ट था वो यहां से हटा दिया इन्होंने, ठीक है? उसके बाद जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा पार्ट खत्म हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो भी आपके टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे, और उसका रीजन है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे के सारे हम यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पे हम पढ़ते हैं वो विद टू वेरिएबल्स, और यहां पे होता है वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं ax स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ड प्रॉब्लम की वो आपकी इस चैप्टर में हो जाती है, इसलिए वो यहां से हटा दिया गया है। उसके बाद आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहां पे भी पूरा चैप्टर है, लेकिन जो लास्ट का हमारा आप कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम जो सम के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन उसमें भी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। आप यहाँ पे ऑप्शनल एक्सरसाइज देखोगे उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे लेडर के ऊपर है, आपको लास्ट एक्सरसाइज के अंदर एक जो बकेट पटेटो वाली प्रॉब्लम है उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से हट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वर्ड प्रॉब्लम सम के ऊपर से हट गई है। तो सम की वर्ड प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो वहां से हटा दी गई है। उसके बाद आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहां पे भी पूरा का पूरा चैप्टर है सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल को छोड़कर, ठीक है? जो सिर्फ एक फॉर्मूला था, लेकिन अगर आप उसमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करने जाओ तो आपको लगेगा कि एक अच्छा टॉपिक हटा दिया है वहां से, जिसमें काफी टाइम लग सकता था अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप उसके ऊपर करो, तो आप कह सकते हो कि एक एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक अच्छा पार्ट यहाँ पे हटा दिया है। उसके बाद ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स में आप देखिए यहां पर जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाला पार्ट जो नंबर 7 था यहां पर, ये हट गया है, ठीक है? तो इसके हटने से भी आपके दो तीन जो टाइप्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, ये पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आपका जो एक प्रूफ है हमारे पास है यहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो है, पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन उसका कन्वर्स हट गया है, ठीक है? उसका कन्वर्स हट गया है, मतलब हमें एंगल 90 डिग्री दिया होगा और हमें ये प्रूव करना होगा,
लेकिन इससे उल्टा हमें प्रूव नहीं करने हैं। तो हमें एक तो 9 पॉइंट जो था कन्वर्स, ये भी खत्म हो गया। तो यहां से ये दो थ्योरम खत्म हो गई है, और जब थ्योरम खत्म हो गई है तो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे। सर्कल में कुछ खत्म नहीं हुआ है, सर्कल एज इट इज है, जो पहले था वही क्वेश्चंस, क्योंकि वो पहले भी एक छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, थ्योरम भी दो ही हैं, तो इसमें से तो कुछ नहीं हटाया गया है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो सिमिलर ट्राइंगल हमें बनाने होते थे वो खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो एक टॉपिक है, जो अच्छा टॉपिक था, एक बड़ा टॉपिक, वो खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इन्होंने अच्छा रिडक्शन करा है कोर्स के अंदर। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कई चीजें खत्म हो गई हैं। यहां पर देखिए, एक तो ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये खत्म हो गया है। लेकिन जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट था वो रहेगा, ठीक है। बाकी जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री से कोई बहुत ज्यादा नहीं हटाया, सिर्फ एक एक्सरसाइज खत्म हुई है। उसके बाद आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस एज इट इज सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सिर्फ इन्होंने 120 डिग्री वाला जो सेंट्रल एंगल है वो खत्म किया है, यहां पे सिर्फ 90 डिग्री तक है, तो ये 120 डिग्री वाला खत्म कर दिया इन्होंने, तो कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना कम हो जाए अच्छा है। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने खत्म करी है, जो है फ्रस्टम, सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर जो आपका टाइम कंज्यूमिंग था, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम लगता था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी और क्वेश्चंस भी अच्छे होते थे, तो फ्रस्टम यहां पे हटा दिया है, ठीक है। फ्रस्टम यहां से हटा दिया इन्होंने। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, यहां पे देखिए, एक तो सबसे पहले इन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वो हटा दिया है, ठीक है। तो यहां पे आपको वो ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है, जो समझने में शायद सबसे मुश्किल था इस चैप्टर का, जो मतलब अब तक मैंने देखा है सबसे मुश्किल जो पार्ट बच्चों को लगता था वो ग्राफ बनाना लगता था, जो ओजीव हम बनाते थे, ठीक है। तो वो ग्राफ खत्म कर दिया है। उसके बाद देखिए, पहले यहां पर बाई मॉडल सिचुएशन नहीं आती थी मोड में, लेकिन इस बार स्टेप डेविएशन मेथड भी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। बाई मॉडल सिचुएशन पहले से ही नहीं थी, और इस बार स्टेप डेविएशन मेथड टू बी अवॉइडेड ये भी इन्होंने हटा दिया है, और बाकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। तो अच्छा खासा सिलेबस हट गया है, और अगर मतलब मेरा अगर सजेशन एक ये है कि आप सिलेबस करें, पूरा करें, सिर्फ जो कुछ पार्ट हटा दिया गया है उसे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ ले, जिससे कि आगे कभी भी लाइफ में आपको मैथ्स में अगर आगे कंटिन्यू करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो चीजें हटा दी हैं उन्हें एज एन इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें, और एग्जाम के पर्पज से ना पढ़ें, उतना ज्यादा उसकी प्रिपरेशन ना करें, लेकिन कभी भी फ्री टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उन चीजों को एक बार देख लें, उनके फॉर्मूलाज देख लें, तो आगे के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना सिलेबस कर सकते हैं, और अच्छा खासा रिडक्शन है ये, तो ये जो रिडक्शन हुआ है काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल रहेगा, सिलेबस में काफी कमी की गई है, और कुछ चैप्टर से तो अच्छे टॉपिक्स हटाए गए हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते थे, ठीक है। तो इसमें ये 10th क्लास का हमारे पास पूरा एनालिसिस है। आपके अगर कुछ इसके ऊपर राय है, आप अगर कुछ सोचते हैं कि क्या टॉपिक्स और हट सकते थे, या कोई इजी टॉपिक हटा दिया है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 12th क्लास के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे।
कि 12th क्लास में कितना कोर्स, क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं, सिंपल टॉपिक्स हटे हैं या डिफिकल्ट टॉपिक्स हटे हैं।